आरटीआई अंतर्गत आने वाले स्कूलों को दी जाने वाली राशि पिछले 4 साल से राज्य सरकार ने बकाया रखी है, जिसके कारण छात्रों का काफी नुकसान हो रहा है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने आंदोलन किया, तो चलिए नजर डालते हैं इस खबर पर। पिछले 4 वर्षों से आरटीई अंतर्गत शिक्षा देने वाले स्कूलों के 1800 करोड़ सरकार को देने हैं, जिसके कारण गरीब तथा वंचित छात्रों को शिक्षा लेने में तकलीफ हो रही है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुनील मुसले तथा शहर अध्यक्ष योगेश गोखरे इनके नेतृत्व में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन किया गया। एक और राजनीतिक नेता उनके बच्चों की पढ़ाई 5-स्टार स्कूल में या फिर विदेश में करते हैं, लेकिन वहीं गरीब तथा वंचित छात्रों के शिक्षा के लिए सरकार के पास में अनुदान उपलब्ध नहीं है। महाराष्ट्र के निजी स्कूलों में वंचित तथा आर्थिक रूप से दुर्बल बालकों के 1 लाख छात्र हर वर्ष शिक्षा हक कानून के अंतर्गत स्कूलों में दाखिला लेते हैं। अब नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बावजूद सरकार की ओर से पिछले 4 साल से तकरीबन 1800 करोड़ इन स्कूलों को नहीं दिए गए, जिसके कारण कई स्कूल बंद करने की कगार पर आ गए हैं। और अगर स्कूल बंद होती है तो इन छात्रों के होने वाले शैक्षणिक नुकसान की जिम्मेदारी सरकार पर होगी। इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए।